हेलो एवरीवन। तो हम अपने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिंग्स चैप्टर में लेक्चर 3 तक हमने क्लास किया था। पिछले लेक्चर हमने लेक्चर नंबर 3 पढ़ा था, जिसमें हमने दो रिएक्शंस लास्ट में पढ़ी थी, एक स्वार्ट्स रिएक्शन एंड एक फ्रैंकलिशन रिएक्शन, एंड बोथ रिएक्शंस आर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। आफ्टर दैट हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और इसमें मैंने क्वेश्चन सारे करा दिए थे, और आज हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करना था। तो आइए देखते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें मिलता है, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इसमें हम ये देखेंगे कि लेट्स से अगर हमें कोई डिफरेंट हेलो एल्केन्स दे दिए जाएं, तो उनमें किसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी एंड किसकी कम होगी, हम यही इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ हेलो एल्केन्स ऐसे हैं जिनमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं देखा जाएगा, क्योंकि बेसिकली वो गैसियस होते नेचर के होते हैं एट रूम टेम्परेचर। दैट्स वाई उसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं कंसिडर किया जा सकता, जैसे मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, और भी रिएक्शंस हैं जैसे कि और भी ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं मॉलिक्यूल्स जिनमें मेल्टिंग जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही वो गैसेस में एडजस्ट करते हैं, तो उनमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता बिकॉज दे आर गैसेस। तो बात आती है कि तब लिक्विड्स एंड सॉलिड्स होंगे कौन से, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स की डिस्कस करते हैं एंड मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स की। तो ये होता है कि जब ये साइज जो होती है वो बढ़ जाती है, लेट्स से अगर हम ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात करें, CH3CH2CH2CH2Br, ठीक है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, जिसे ये कार्बन जो है अब थोड़ी बड़ी हो गई है चेन, तो ये जो है लिक्विड एंड सॉलिड में एग्जिस्ट कर सकता है। सिमिलरली अगर हम इस चेन को और बढ़ाते जाएं, लेट्स से हमने ऑक्टाइल ब्रोमाइड ले लिया हमने, CH3CH2, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा ऑक्टाइल ब्रोमाइड हो गया। तो इसकी टेंडेंसी एग्जिस्ट करने के लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एंड ये तो रूम टेम्परेचर ही होते हैं गैसेस फॉर्म में। तो बात आती है कि हमें ये तो पता चला कि ये गैसेस हैं एंड इनमें लिक्विड एंड सॉलिड हैं, तो इनमें बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की कंपैरिजन हम करेंगे, बट आगे जब हम पढ़ेंगे तो कंपेयर करें किस बेसिस पर, ये बात भी आता है। तो मैंने नेचर ऑफ CX बॉन्ड में आपको बताया था कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है CX बॉन्ड की, वो सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन एंड फ्लोरीन, फिर होती है क्लोरीन, फिर होती है कार्बन एंड ब्रोमीन, एंड लीस्ट होता है कार्बन एंड आयोडीन, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 ही होती है, इसकी आयोडीन की 2.5 होती है, इसकी भी 2.5, ये 2.8 के आसपास होता है, ये 2.5 मतलब 0.3 के डिफरेंस, और इसकी 0.30 होती है, तो 0.5 का डिफरेंस, एंड ये 4 होता है मतलब 1.5 का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो उससे क्या होता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से जो वंडरवॉल्स फोर्स है, जो वंडरवॉल फोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इनमें, एंड सिंस इनके अंदर अगर फोर्स ज़्यादा है, मतलब अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वो अगर ज़्यादा है, तो हमें हाई टेम्परेचर देना होगा फॉर देयर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट टू गेन
कोई भी है, लेट्स से हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स गिवन है, दो बीकर में, ये हमारा दो बीकर है। एक में हमें लेट से दे दिया गया है कोई RF मॉलिक्यूल, एंड एक में हमें कोई नॉर्मल हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल दे दिया गया है। हम लेट से मान लेते हैं हेक्सेन मान लेते हैं। तब आप एक बात बताइए कि मान लीजिए ये हेक्साइल फ्लोराइड है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इस RF बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो हम जब इसको टेम्परेचर गिवन करेंगे, जब टेम्परेचर देंगे, और इसको भी हम टेम्परेचर देना स्टार्ट किए हैं, तो ऑब्जर्व क्या होता है? ऑब्जर्व होता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी टेम्परेचर T1 आई जब ये बॉयल करना स्टार्ट हुआ, और इसकी टेम्परेचर T2 आई। क्यों, डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो है हेक्सेन में हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में नॉर्मल, उसमें वंडर वाल फोर्सेस बहुत कम होते हैं, एंड दैट्स वाई इसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, एंड एनर्जी देने के लिए हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। दैट्स वाई ऑल हेलो एल्केन्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एज कंपेयर टू एनी हाइड्रोकार्बन, अब चलिए ये तो कन्फर्म हुआ कि चलो हाइड्रोकार्बन से ये हेलो एल्केन्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। हमें रीजन भी पता चला कि ड्यू टू हाई इनके बॉन्ड जो पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, आयनिक कैरेक्टर आता है, एंड वन टू वन फोर्स ज़्यादा होने के कारण इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एंड दैट्स वाई हमें ज़्यादा टेम्परेचर इनको देना पड़ता है फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। अब यहाँ पर बात हुआ, अब ये कंपेरिजन हुआ किसमें, हेलो एल्केन्स में एंड हाइड्रोकार्बन्स में। अब बात आती है कि हम अगर हम हेलो एल्केन्स में ही कंपेरिजन करें, लेट्स से हम RF RCl RBr एंड RI में कंपेयर करना चाहते हैं, तो इसकी जो ऑर्डर होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो RI के ज़्यादा होगी। अगर हम नंबरिंग कर दें इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1 दे दें, तो 4th की ज़्यादा होगी, फिर 3 की, फिर 2 की, एंड लीस्ट होगी 1 में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो वंडरवॉल्स फोर्स है, जो वंडरवॉल्स फोर्स है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास, या फिर हम इसे मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं। अब चूंकि ये सब में आर आर कॉमन है तो सबका मासेस तो सेम होगा, मतलब डिपेंड करेगा कि जो हैलोजन ग्रुप्स अटैच हैं उन्हीं के मासेस पर, तो जिनका मास ज़्यादा होगा उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वंडर वाल फोर्स ज़्यादा होगा, एंड उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। तो ये हो गया। अब दूसरी कैटेगरी जो आती है वो ये आती है कि अगर हम ब्रांचिंग करना स्टार्ट करें हाइड्रोकार्बन्स में या फिर हेलो एल्केन्स में, लेट्स से CH3 CH2 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 Br CH3 CH2 CH CH3 Br एंड लेट्स से CH3 C CH3 एंड CH3। आप देख सकते हैं सबका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C4
एंड एच नाइन बी आर, सभी का फॉर्मूला सेम है, मतलब एक दूसरे क्या है, आइसोमर्स है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आइसोमर्स की क्या होती है प्रॉपर्टी। आइसोमर्स जो होते हैं बेसिकली उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्टली सेम होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट अगर हम उनकी नॉमेनक्लेचर करें तो वो डिफरेंट आती है, मतलब उनकी जो है कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स वो एक दूसरे में चेंज होती रहती है। तो हमने क्या किया, इनके आइसोमर्स बना दिए। अब हम इसको नंबरिंग वन कर लेते हैं, इसको टू कर लेते हैं, इसको थ्री कर लेते हैं। तो आपको बता दूं मैं कि जितने ज़्यादा ब्रांचिंग होगी इनकी डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, एंड अगर डेंसिटी अगर बढ़ेगी, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से अगर वो बंधा हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा लोग अगर एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको दूर करना बहुत मुश्किल होता है। लेट्स से जैसे कोई एक फील्ड था, कोई एक फील्ड है जिसमें लगभग 500 लोग प्रेजेंट थे, एक और फील्ड है जिसमें ओनली 100 लोग हैं, एंड लास्ट वन जो है उसमें सिर्फ 10 लोग प्रेजेंट हैं। इस तरह की एक फील्ड थी कोई सर्कुलर, जिसमें फर्स्ट में 500 लोग थे, सेकंड में 100 लोग थे, एंड थर्ड वाले में 10 लोग थे सिर्फ। अब मान लीजिए कुछ गड़बड़ हुआ, गड़बड़ होने की वजह से अब उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा, या फिर यूँ समझ लीजिए उन्हें पुलिस आए किसी वजह से, उनको उस फील्ड से निकालना पड़ा। निकालने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत किसे करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है 500 लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो क्राउडिंग है वो बहुत ज़्यादा है, और फिर उसके बाद मेहनत करना होगा 100 को और एंड देन 10 को निकालने में। तो सिमिलर ये एग्जांपल आपको एग्जैक्टली फिट होता है किससे, जब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो। हम यही बात कर लेंगे कि किसी एक एटम की मॉलिक्यूलर मास 500 ग्राम था, किसी की 100 ग्राम थी एंड किसी की 10 ग्राम थी। हमने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो मेल्ट करना स्टार्ट करेगा वो 10 ग्राम होगा, एंड देन 100 ग्राम एंड 500 ग्राम। यहाँ तक बात क्लियर है? सिमिलरली अगर हम ब्रांचिंग करते जाएं तो उनकी डेंसिटी जो है इंक्रीज होती जाती है, जिसके वजह से उनकी जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होती है। तो अगर हम इन तीनों में कंपैरिजन करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा थर्ड का ज़्यादा होगा देन सेकेंड का, एंड लीस्ट होगा फर्स्ट में। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? और क्लियर है तो आइए फिर देखते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, एक एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा हमारा। हमने माना कि वो इस तरह का मॉलिक्यूल है हेलो एल्केन। अब हम इसके आइसोमर्स बनाने स्टार्ट करते हैं। आइसोमर्स बिफोर फॉर्मिंग आइसोमर्स हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। सी 1 2 3 4 5 6, तो सी 6 हो जाएगा। एच, अब ये तो एल्केन है, एंड इफ दिस इज एल्केन तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सी एन एच टू एन प्लस टू, तो सी 6, तो 6 2 12 प्लस 2 14 होना चाहिए, बट हाइड्रोजन 13 होंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन पर तो ये ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C6H13 एंड ब्रोमीन। अब जो हम इसके आइसोमर्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमें क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना होगा। अब हमने 1 2 3 4 5 6 छः कार्बन थे स्ट्रेट लाइन में, हमने क्या किया कि हमने इसको सिर्फ 5 कर दिया, एक की ब्रांचिंग कर दी, एंड ब्रोमीन हमने सेम कार्बन पे रहने दिया। आप इसको चेक कर लीजिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका हमें सेम ही रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फिर हमने एक ब्रांचिंग की, इस बार हमने स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 4 कार्बन लिए,
दो की हमने ब्रांचिंग कर दी, एज एक्टली हमने सेम ब्रोमीन को रखा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने सिर्फ तीन को रखा और फिर वन टू थ्री फोर फाइव एंड दिस इज सिक्स ब्रोमीन हमने यहाँ पर रखा। आप इसमें भी अगर चाहें तो मॉलिक्यूल फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव सी फाइव एच, अगेन एल्केन है, एल्केन है तो आई एम सॉरी, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सी सिक्स होगा ना, एच क्या होगा, 13 होगा एंड बी आर होगा। आप काउंट कर लीजिए, ये क्या है, तीन हाइड्रोजन, तीन एंड तीन, तो नाइन हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, ठीक, तीन यहाँ पर हो गए, तो 9 + 3 = 12, +1 यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, क्योंकि अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाता, हमको अंडरस्टैंड होता है कि कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से ही कंप्लीट है, अगर कुछ नहीं गिवन है तो C6H13 और एक Br है, तो Br मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग हुई है तो फोर्थ वन, एंड देन थर्ड, देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट, सिमिलर ऑर्डर होगा आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी। तो क्या मेरी बात यहाँ पर क्लियर है, तो ये तो हमारा हुआ हेलो एल्केन्स के लिए। अब बात करते हैं कि अगर बेंजीन रिंग में अगर ये अटैच्ड हो तो इन दैट केस क्या हो, तो आइए देखते हैं। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करें, तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही सबसे ज़्यादा होता है पैरा में, पैरा पोजीशन में ज़्यादा होता है, एंड फिर उसके बाद होता है ऑर्थो पोजीशन में, एंड लीस्ट होता है मेटा पोजीशन में। सिमिलरली अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा इज ऑल्सो ग्रेटर एंड देन ऑर्थो एंड देन मेटा। मतलब अगर हम बात करें कंपैरिजन, तो इसको हम लेट्स से फर्स्ट, इस कंपाउंड को सेकेंड, इस कंपाउंड को थर्ड मान लें, तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट विल बी ग्रेटर देन थर्ड एंड लीस्ट इन सेकेंड। सिमिलरली अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा किस में होगा, पैरा पोजिशन में होगा, फिर ऑर्थो पोजिशन में होगा एंड फिर मेटा पोजिशन में होगा। ये रिस्पेक्टेड पोजिशंस मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, बताया था कि किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में हम तीन तरह के पोजिशन डिफाइन करते हैं, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। ऑर्थो सब पोजीशन वो होता है जो जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो ऑर्थो होता है, अगर वो एक कार्बन छोड़कर अगले कार्बन पर हो, जैसे अगर हम इस सब्स्टिट्यूएंट को मान लें तो एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पर है तो ये मेटा है, एंड जस्ट अगर अपोजिट है तो वो एक दूसरे के पैरा पोजिशन पर है। तो अगर हम इसकी नेमिंग भी करें, इसकी नेमिंग क्या होगी, ऑर्थो, एक दूसरे की पोजीशन क्या है, ऑर्थो है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। सिमिलरली इसमें क्या होगा, इसमें मेटा डाइक्लोरोबेंजीन होगा और इसमें पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होगा। तो ये कंपैरिजन था हमारा बेंजीन के केस में, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स के बेसिस पर। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी, एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और बड़ा ही इजी से टॉपिक है। बेसिकली डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका मास ज़्यादा होगा। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी
आयोडीन, अगर हम आयोडीन की बात करें, लेट्स से मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल फ्लोराइड का कंपैरिजन करें, तो इसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा, तो इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। जिसका मोलर मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा। ये डेंसिटी का बहुत ही इजी सा कंपैरिजन है, डेंसिटी कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप इसे अपने से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे उतना क्वेश्चन तो नहीं आते, और एक बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, आप देख लीजिएगा। हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हो सकता है ये आपको समस्या कर दे आपके लिए, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फर्स्ट जो है वो ये कह रहे थे कि ब्रोमो इथेन, सॉरी ब्रोमो मीथेन, दैट इज CH3Br, तो ब्रोमो फॉर्म का फॉर्मूला होता है CHBr3। अब हम इसको ओपन करें तो C3 टाइम्स, तीन बी आर अटैच होंगे एंड एक हाइड्रोजन होगा, दिस इज नोन एज ब्रोमोफॉर्म। एंड जो नेक्स्ट है वो है क्लोरोमीथेन, एंड जो लास्ट है वो है डाई ब्रोमोमीथेन CH2Br2। हमें क्या कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है इनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी एंड किसकी कम होगी। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिसका मोलर मास या एटॉम मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसी की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो आप देख लीजिए, ये आप CHBr3 है तो सबसे ज़्यादा मोलर मास इसका होगा, एटॉमिक मास, इसका मॉलिक्यूलर मास सेंस सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का होगा। तो अगर हम अरेंज करें नंबरिंग वाइज, तो फर्स्ट इसका सेकेंड सबसे ऊपर होगा, फिर CH2Br2 होगा फोर्थ, फिर CH3Br होगा, CH3Cl होगा, ब्रोमीन का ज़्यादा होता है तो CH3Br होगा, आई मीन फर्स्ट, एंड देन इसका होगा लास्ट होगा थर्ड का। सिमिलरली अगर हम सेकेंड देखें तो सेकेंड है हमारा 1-क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1-क्लोरोब्यूटेन। 1-क्लोरोब्यूटेन का सबसे ज़्यादा मोलर मास होगा, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट 1-क्लोरोब्यूटेन का, फिर हो जाएगा 1-क्लोरोप्रोपेन का फर्स्ट का एंड सेकेंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का सेकेंड, ये होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। यहाँ पर हमारा अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो रहा है। अब जो हमें आगे पढ़ना है वो पढ़ना है हमें रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ, अगेन रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन विथ मेटल्स पढ़ने हैं। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैंने आपको बताया था इसी चैप्टर में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर जो डिस्कस्ड है वो सिर्फ दो ही है, एंड दैट इज SN1 एंड SN2। ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एंड SN2 जो है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो कोई भी RX ग्रुप है, अगर RX ग्रुप है और एक न्यूक्लियोफाइल है तो ये X पहले निकलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कार्बोकैटायन बनता है, फिर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर होता है एंड RNU फॉर्म होता है, प्लस X माइनस हमारा निकल जाता है। यही होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अगर हम SN1 की बात करें तो SN2 के केस में क्या होता है कि उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुका है, फिर से एक बार रिपीट कर देते ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए एक बार आपको।
इसके बाद हमें एक चीज और पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। हमें फैक्टर्स पढ़ने हैं जो SN1 एंड SN2 रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं। तो बिफोर दैट हम एक बार थोड़ा इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। सिमिलरली मैंने SN2 को भी बताया था आपको, SN2 में अगर कोई RX कंपाउंड है तो फिर न्यूक्लियोफाइल जो आता है इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है जिसमें R और X दोनों ही होते हैं। और फिर क्या होता है, फिर X हमारा निकल जाता है और R एंड U में कंप्लीट बॉन्ड बन जाता है। फर्क बस इतना है कि इसका इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है एंड इसका जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है। अब हम जो है फैक्टर्स की बात करेंगे जो SN1 SN2 के रेट को डिफाइन करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो है सबस्ट्रेट, जो हमारा फर्स्ट है वो है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हम किसे कहते हैं, सबस्ट्रेट हम इस मॉलिक्यूल को कहते हैं, ये हमारा रिएजेंट होता है या न्यूक्लियोफाइल है ये हमारा, और ये हमारा जो है ये सबस्ट्रेट है। अगर सबस्ट्रेट हम 3 डिग्री ले लें कार्बन, लेट्स से CH3 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 X, ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। अगर इसकी हम रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगा हमारा, कार्बोकैटायन, ये हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और X माइनस हमारा निकल के चला जा चुका रहेगा इंटरमीडिएट जब बनेगा, और इंटरमीडिएट्स ही किसी भी रिएक्शन के रेट को डिफाइन करते हैं। जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा उतना ही ज़्यादा उसकी रेट होगी रिएक्शन की। तो अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर हम करें इसका, तो अल्फा हाइड्रोजन हमें यहाँ पर 9 मिलेंगे। जो जस्ट अटैच्ड कार्बन होते हैं हम उन्हें अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं वो हमें अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन इन दिस केस कितने हैं, 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम यही सबस्ट्रेट अगर 2 डिग्री ले लें अगेन न्यूक्लियोफाइल दें, अगेन कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, बट इस बार अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, इस बार अल्फा हाइड्रोजन 6 होगा। हम इसे अल्फा हाइड्रोजन में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे इस कार्बन से जो कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म हुआ है इससे जितने भी कार्बन अटैच्ड होंगे वो हमारे अल्फा कार्बन होंगे, एंड अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे हम उन्हें अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम CH3 CH2 CX की बात करें और न्यूक्लियोफाइल है तो हमारा जो कार्बोकैटायन ये बनेगा। इन दिस केस अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 3 होंगे क्योंकि अल्फा कार्बन ही एक ही है, और इस कार्बन से ये अल्फा कार्बन है, इस कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन में काउंट किए जाएंगे, एंड 3 हाइड्रोजन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बात क्या होती है, बात ये होती है कि जितने भी अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें इंटरमीडिएट के, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे ये कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हुआ तो ये ज़्यादा स्टेबल बना, और जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही ज़्यादा रेट होगा। तो सबसे ज़्यादा रेट किसकी होगी, इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं
तो सबस्ट्रेट अगर 3 डिग्री हो तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एंड फिर हमारा होता है CH3X। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं रेट का और इधर हम सबस्ट्रेट ले लें, लेट्स से दिस इज CH3Br और ये है हमारा कोई 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो रेट सबसे ज़्यादा होगा 3 डिग्री का। तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमारा फॉर्म होता है। क्लियर हुआ? वन सी एस थ्री बी आर पे रेट सबसे कम था, 1 डिग्री पर थोड़ा ज़्यादा हुआ, 2 डिग्री पर इससे भी ज़्यादा हुआ और 3 डिग्री पर सबसे ज़्यादा हुआ। मतलब सबस्ट्रेट अगर हमारा 3 डिग्री है तो वो मोस्ट स्टेबल होगा। आइए अब आगे चलते हैं। अब अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें, SN2 के केस में किस सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट होगा, तो अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 के केस में कोई भी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता, इसलिए हम ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो उतना ही ज़्यादा उस रिएक्शन की रेट होगी। तो ये CH3Br, जैसे CH3CH2Br, ये थ्री CH3Br एंड ये है हमारा टॉर्सरी ब्यूटाइल। अब हमें इसका रेट का कंपेयर करना है। अब सिंस इसमें कोई ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता, इसलिए हम इसका जो जो होगा वो हम अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर इसका आंसर हम नहीं करेंगे। अगर हमारा SN1 रिएक्शन ये होता तो सबसे ज़्यादा रेट होती 4th की, फिर 3rd की, फिर 2nd की एंड देन 1st की। लेकिन सिंस हम SN2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जस्ट ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होता है CH3Br, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। अब कोई भी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, लेट्स से हमने CH3 एंड CH3 किया, अब हमारा जो है इधर से न्यूक्लियोफाइल आ भी रहा है एंड इधर से हमारा लिविंग ग्रुप जा भी रहा है, तो ये जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा इस न्यूक्लियोफाइल के एंटर करने के लिए स्पेस उतना ही कम होगा। लेट्स से अगर हमारा स्पेस इतना था और एक स्पेस इतना ज़्यादा था, तो इधर से न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज़्यादा आसानी से हो जाएगा और इधर से थोड़ी डिफिकल्टी होगी। स्पेस यहाँ पर कम है क्योंकि यहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा है, इन दोनों के बीच का क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, ये ग्रुप्स बड़े हैं, इसलिए इनका ट्रांजिशन स्टेट होता है वो लेस स्टेबल बनता है। इसलिए कहा जाता है कि SN2 रिएक्शन जो होते हैं उनमें CH3Br ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, ये होता है SN2 का रेट। SN2 रिएक्शन की रेट के हम जो है वो बेसिकली हम ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के ऊपर देते हैं। एंड इन दिस केस अगर आप देखें तो क्राउडिंग जितना ज़्यादा होगा ट्रांजिशन स्टेट उतना ही अनस्टेबल होगा, और जितना अनस्टेबल होगा उतना ही उसकी कम रेट होगी। दैट्स वाई यहाँ पर जो SN2 के लिए अगर हम कंपेरिजन करें तो CH3Br का सबसे ज़्यादा रेट होगा, फिर CH3CH2Br, फिर CH3CH CH3Br एंड देन दिस लीस्ट होगा इसमें। इनफैक्ट इसमें SN2 रिएक्शन होता ही नहीं है क्योंकि एक ही सॉल्यूशन में न्यूक्लियोफाइल है, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 रिएक्शन इस पर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो SN2 ना करके वहाँ पर SN1 रिएक्शन होता है।
SN2 रिएक्शन होता ही नहीं है। तो ये बात हुई हमारा SN1 एंड SN2 रिएक्शन की। और अगला जो रिएक्शन है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है, एंड थर्ड हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स है। इन रिएक्शंस को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।